एक ये है फ्रॉक और ये है एक कड़ा, मतलब हाथ का जो चूड़ी बोलते हैं हम वो है एक ये, तो ये देना है उसको। और इसके लिए मेरी बेटी बहुत रो रही है तो ये देना है, उसने देख लिया, मैंने छुपा के रखा हुआ था पर उसने देख लिया, तो ये दे रही हूँ मैं। थैंक यू। और ये है, ये मम्मी दे रही है मम्मी की तरफ से, ये है तीन का ये पूरा सेट। न्यूबॉर्न्स के लिए ना ऐसे कपड़े बहुत अच्छे रहते हैं, लंगोट है, सॉक्स है, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड आ जाएगा आपको। तो तीन का ये पूरा सेट है, कलर बहुत ब्यूटीफुल है और कपड़े बहुत ही सॉफ्ट है। और फिर मम्मी ये भी दे रही है, ये बहुत ही प्रिटी सा एक पायल है, तो ये मम्मी की तरफ से जा रहा है पायल उसको, देखो ऐसा कुछ पायल है, तो ये मम्मी दे रही है उसको। और बाकी हमने वो लड्डू वगैरह मैंने दिखाया था वो सब बनाया है, तो चलिए पहले उसके यहाँ चलते हैं फिर आपके साथ मिलवाते हैं, तब तक के लिए बाय। और फिर हमने बनाया था ये लड्डू, तो चलिए पहले उनको दे देते हैं ताकि उनको भी यूज हो जाए आप खा ले, तो चलिए पहले चलते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ पे मैंने शूट किया था ये क्लिप क्योंकि हम लोग आ रहे थे मुंबई से घर, और इस बच्ची को देख के मुझे ऐसा लगा मैं शूट कर लूँ यार, पूरा सीट छोड़ के वो ऊपर इस तरीके से बैठी थी, तो मुझे बड़ा फनी लगा इसलिए मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया उसका क्लिप। और यहाँ पे बस यही चीज मैंने शूट करी है और कुछ भी मैंने शूट नहीं किया। उसका रीजन ये है कि मेरी आप सभी को पता है ट्रैवलिंग में इतनी हालत खराब हो जाती है, यानी अभी गर्मी के सीजन में ज्यादा प्रॉब्लम मुझे होता है भाई, बाकी ऐसा कुछ मुझे इश्यूज होता नहीं है, मैं कितना भी लंबा ट्रैवल कर लूँ, बस मुझे प्रॉब्लम यही होती है कि मुझे टाइम से चाय नहीं मिलता, और अगर मुझे टाइम से चाय ना मिले तो मैं पागल जैसी हो जाती हूँ, बस वही दिक्कत है, बाकी तो सब ठीक है, बाकी मुझे कुछ इश्यू नहीं होता है ट्रैवलिंग वगैरह में, सिर्फ यही मेरे सिर इतना ज्यादा दुखने लगता है, इतना ज्यादा दुखने लगता है कि मुझे लास्ट में थक हार के मेडिसिन खाना ही पड़ता है, मतलब 10-10 घंटे पेन जो बैर करने के बाद मेरे से नहीं फिर आगे जब बैर होता है ना तो मैं क्या करती हूँ फिर मेडिसिन खा के सो जाती हूँ, बस यही काम करती हूँ। और यहाँ पे मेरी बेटी को देखो यार, मैं जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है, इतना गर्मी में हम लोग पागल जैसे हो गए थे लेकिन ये आराम से खेल रही थी। यहाँ पे स्टेशन पहुंचने के बाद इन लोग का चालू हो गया मैच का, पता नहीं मुझे कुछ समझ में आता नहीं है, आगे मैंने पूरा दिखाया हुआ है आप देखना, स्टेशन पे पहुंचते इन लोग का चालू हो गया, कुछ पता नहीं अपोजिट टीम है इन लोग की, धोनी की तो पता नहीं विराट की ऐसा कुछ है, तो इतना चालू हो गया भाई इन लोग का स्टेशन पे पहुंचते ही, प्रतीक उसको इतना चिढ़ाने लगे बेचारे को, और वो भी कम नहीं है बहुत बोलता है, तो देखो आप इस तरीके से। फिर हम लोग पहुंचे घर फटाफट से और आप आगे जो है क्लिनिक सुन के ले भाई, तो सुन के ले क्या काट दूंगा, क्या काट दूंगा, मुंडी काट दूंगा मैं, ऐसे धोनी का काई यार हार वाली है ना मैच, दस मिनट तो बनता नहीं तुम लोग के मुंडी काट के आले में जा यहां से, आप तो अपना काट लो मुंडी, जैसे कि विराट कोहली बहुत बार बैठते उसके भाई भाई हमने 47 मारा था यार, में हाले में 47 भाई हर बार उसने बताया समझ गया, वापस मारते 32 गेंदों में वो भी पागल नहीं, बॉल तो पकड़ा था नहीं ये धोनी ले धोनी गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हैं आप सभी, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप सबकी दुआ से हम सब बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं, एंड मेरी कंडीशन आप देख सकते हो फेस पे, बहुत ज्यादा तबीयत खराब लग रही है मेरी, आवाज भी अलग ही हो गया है। मैं आ गई हूँ मेरे घर पे यानी मेरे ससुराल, बट ऑब्वियस देख के आपको पता चल गया होगा, रास्ते में मैंने बहुत कुछ सोचा निकलने के टाइम पे घर से कि मैं ये भी शूट कर लूँ वो भी शूट कर लूँ, पर कुछ नहीं हो पाया भाई, कुछ नहीं हो पाया। जब आप निकलने लगते हो तो इतना ज़्यादा मन भावुक हो जाता है ना कि आप कुछ भी शूट नहीं कर पाते हो, तो बस वही वाला हाल हो गया है। आओ वीडियोज़ बना रही मम्मा, आओ हाँ धीरे से बंद कर दो, वेरी नाइस यार, देखो उसको पता है कि मम्मा वीडियोज़ बना रही, तो खुद ही दरवाज़ा बंद कर, बंद कर दो। तो अभी यही हाल है, पूरी आईज की मेरी एकदम वाट लगी पड़ी है क्योंकि पूरा दिन इतना लू लगा है और इतनी गर्मी थी जिससे एकदम ही मेरा फेस आप देख के मतलब अलग ही हो गया है, मतलब क्या ही बताऊं। तो आ गए हमें हम लोग घर, और आते साथ ही घर पे बहुत सारे गेस्ट आए थे बाहर से,
तो थोड़ा उनका वो भगत करना था, तो वो सारी चीज़ें हुई, यानी 4-5 लोग थे बाहर से, तो वो सारी चीज़ें हुई। आते ही उस वो सारी काम में मैं लग गई, तो अभी फ्री हुई हूँ। खाना तो फिलहाल मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, मौसी और मम्मी हैं तो उन्होंने ही किया है, मौसी यानी मेरी मौसी सासू माँ, तो उन्होंने सब्जी बनाई, मम्मी ने रोटी बना दी। अरे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है मेरे घर में, मैं आपको क्या बताऊँ। मेरी तबीयत ख़राब थी तो मम्मी ने क्लियर बोल दिया कि तू आराम कर ले और मैं हम लोग कर लेंगे। जनरली आप ससुराल में नहीं देखते होगे ऐसी सारी चीज़ें, पर मेरे यहाँ पे है ये सारी चीज़ें। और मम्मी का भी आज एकादशी है, पूरे दिन से फास्ट है, और उन लोग आने वाले थे तो मम्मी को ऐसा हुआ कि पहले पूरी साफ़ सफाई भी घर की रहती है, देखो कोई भी गेस्ट आता है तो आपको पूरा काम करना पड़ता है, तो पूरे दिन से मम्मी वो कर कर के थक गई थी। लेकिन तो भी मम्मी ने खाना वाना का अपना अपने तरीके से सब रेडी कर दिया है, हमको सिर्फ खा के और सो जाना है। मैंने जस्ट अभी खाना खाया, जा रही हूँ मैं अब मेडिसिन खाने, बिना मेडिसिन खाए मुझे नहीं सही होगा, तो चलते हैं। अभी आए हैं भैया, यानी विशु आई है, भैया आए हैं मतलब मेरे जेठ जी आए हैं और विशु आई है, तो अभी चलते हैं, पहले चाय वाय दे देते हैं एंड देन आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। हैं सारे लगेज जो कि हम लेके आए थे मुंबई से, एंड देन मैंने खाई मेडिसिन जो कि मेरी फेवरेट है, डोलो 65। मुझे सिर का जब भी ऐसा प्रॉब्लम होता है सबसे पहले मैं वही खा लेती हूँ और सही हो जाती हूँ। फिर उसके बाद जो मैंने आगे क्लिप आपको दिखाई ना, वो मुंबई जाने के पहले की थी, पर वहाँ प्रॉब्लम ये हो गया था कि हम लोग गए पर वो भाभी मिली नहीं थी हमको, इसको लेके हॉस्पिटल गई थी बच्चे को, तो इसलिए हम लोग आ गए थे, फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया था। फिर हम लोग कल गए तो मैंने सोचा चलो आपको क्लिप पूरा कंप्लीट दिखा देते हैं, तो गए थे हम लोग वहाँ पे। देखो कितने क्यूट है, उसकी बेटी बहुत सुंदर है, बहुत क्यूट है। तो हम लोग घर पे गए थे, उनके सब चीज़ देना था, मम्मी ने पायल वगैरह लिया था जो मैंने दिखाया आपको पहले, तो वो सारी चीज़ें हमने दे दिया ब्लेसिंग्स के तौर पर। यार ये सब सारी चीज़ें हैं ना, फॉर्मेलिटीज़ हैं देखो, इसलिए थोड़ा कर देते हैं, बाकी ब्लेसिंग्स मेन इंपॉर्टेंट है, बाकी तो चीज़ें तो क्या ही है, आज है कल नहीं है। तो आई होप ये वीडियोस आपको अच्छे लगे होंगे, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए।